हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोड रिले। जो है हमारे पास ये जो है, देख लेते हैं किस मेक की है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये L&T मेक की है फ्रेंड्स, ये देखिए L&T मेक की हमारे पास ओवरलोड रिले है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या समझ लेते हैं इसको पूरा। इसके कनेक्शन कहाँ से सेट करना है, इसको कहाँ से कहाँ से कनेक्शन होंगे इसके। तो ये जो फ्रेंड्स, इसमें तीन लिंक दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इसके इनपुट के हैं 3 फेज के, ये कॉन्टैक्टर में लगते हैं, वो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा अभी इसको समझ लेते हैं। तो इसमें 3 फेज ये पावर की वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो पावर 3 फेज यहाँ पे हैं और इसके आउटलेट जो मोटर में जाएंगे हमारे, ये यहाँ से हैं। ये L1, L2, L3 ये जो हमारे हैं, ये 3 टर्मिनल हैं। इस पर जो तीनों फेज हमारे मोटर को चले जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पुश बटन है। इससे हम इसकी वायरिंग, आप इसी से पुश बटन से स्टार्टर को ऑन ऑफ भी करा सकते हैं, मोटर को ऑन ऑफ भी करा सकते हैं इससे। और इसके अलावा अगर आपको इससे पुश बटन नहीं चलाना है तो खाली ओवरलोड में भी इसको लाइन में ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें रेड वाला जो पुश बटन दिया हुआ है आपको, और इस पर लिखा है OR। तो इसमें क्या है, अगर आपका ये ट्रिप कर जाता है ओवरलोड पे, तो आपको रीसेट करना है। तो रेड वाले से प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और ये ग्रीन वाला है स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि आप अगर स्टार्टर का अलग से स्टार्टर नहीं लगा रहे हैं, इसी को स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये मोटर को ऑन कर देगा और ये ऑफ़ कर देगा। तो ये हमारा पुश बटन एक तरह का स्टार्टर का काम करेगा ये भी। और ये देख लेते हैं क्या है फ्रेंड, ये लोड सेट करने के लिए है इसका। तो फिलहाल जो मेरे पास ये रिले है, ये 2 से लेकर 3.5 एम्पियर तक सेट कर सकते हैं इसको। ये इस लोड पर सेट कर सकते हैं, जिस अपना मोटर का रेटिंग हमारी इसके अंडर हो उस पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जितना भी सेट करना है, तो ये हमारे पास इसमें स्क्रू ड्राइवर लग जाता है। और एक तरफ ये कटआउट बना हुआ है, ये इसका एरो है, जहाँ पर ये आएगा, ये देखिए मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ। ये अभी मैं एंटी क्लॉक बना हूँ। तो जितना भी सेट करना है हम इसको, उतने एम्पियर पे सेट कर सकते हैं। जितने पे हमें ट्रिप कराना है मोटर को, उतने पे इसको सेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में होगी आपकी जानकारी। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, कंट्रोल वायरिंग का। तो ये देखिए, तो इसमें जैसे आपको मैंने बताया था कि एक स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट एंड ऑफ ऑब्लिक रीसेट, यानी कि ऑफ का और रीसेट का एक ही बटन है, रेड वाला जो मैं आपको दिखाया था। ये वाला रीसेट में भी यही काम करेगा, और स्टार्टर अगर यूज़ करने हैं तो स्टॉप में भी यही काम करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसके टर्मिनल दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 95 94 95 96। तो इसमें जो 96 है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये इसका 96 नंबर जो कॉमन है, ये देखिए 96 कॉमन है, 94 NO है और 95 NC है। तो आप अगर कॉमन बनाना चाहे तो 95 को ही बना सकते हैं, और 94 आपका NO है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक कॉन्टैक्ट और दिया हुआ है, 97 और 98। ये जब आपका ट्रिप हो जाएगा, फिलहाल ये NO है तो NC हो जाएगा ये वाले कॉन्टैक्ट आपके, जब आपकी ये ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड रिले तो ये NC हो जाएगा। तो इससे आपको इंडिकेटर लेना हो तो इंडिकेटर ले सकते हैं, या कहीं ट्रिप का इंडिकेशन दिखाना है तो उसके लिए ले सकते हैं। तो ये आपके लिए 500 वोल्ट की 50 हर्ट्ज़ के यूज़ कर आएगी, 2 एम्पियर AC 15 मैक, और इसका इसमें फ्यूज़ लगे हैं 6 एम्पियर का। तो और इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर एक पुश बटन दिया हुआ है, ये आपका पुश बटन है, ये देखिए ये, और इस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, ऑटो और मैनुअल, ये ऑटो लिखा है, ये मैनुअल लिखा है। तो इसको अगर इसको पुश करेंगे हम, ऑटो की तरफ रखेंगे, तो हमारा जो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है तो ऑटोमेटिक अपने आप रीसेट हो जाएगी, जैसे ही इसके बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है अपने वापस ठंडे होकर अपने उस पर आएंगे, तो अपने आप ये ओवरलोड जो है रीसेट हो जाएगी। और अगर हम इसको मैनुअल की तरफ कर देते हैं, इधर की तरफ कर देते हैं मैनुअल की तरफ, तो हमें ये ओवरलोड रिले को रीसेट करना पड़ेगा जब भी ये ट्रिप होगी। तो हम इसको रेड वाले पुश बटन को दबाएंगे तब ये रीसेट कर देगी। तो मैनुअल के लिए मैनुअल रीसेट करना पड़ेगा, ऑटो में करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रीसेट कर देगी अपने आप। तो फ्रेंड्स एक बार इसका अंदर खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो अभी मैंने इसके स्क्रू खोल रखे हैं ये वाले, मैं इसकी प्लेट निकालने जा रहा हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये फेस की तीन फेस की ये तीनों फेसों पे ये बायोमेटेलिक के थ्रू हमारी सप्लाई जा रही है। ये देखिए तीन बायोमेटेलिक स्ट्रिप है इसमें, ये इसका इंसुलेशन दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए इस पर इंसुलेशन की स्लीव चढ़ी हुई है। तो ये जैसे ही फ्रेंड्स हीट होती हैं ओवरलोड पे, तो ये कॉन्टैक्ट जो है लेफ्ट की तरफ को भागता है। ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाला जो आपका कॉन्टैक्ट है, तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है आपका इस तरीके से, ये देखिए ये कट करा देगा ये वाला कॉन्टैक्ट। ये देखिए किसी भी फेस को बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो मूव करेगी हीट होकर, तो ये वाला कॉन्टैक्ट हमारा चेंज होगा, इससे हमारे दूसरे जो कॉन्टैक्ट हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। देखो तीनों फेस में ये देखिए हीट होके इस तरफ को भागेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट हमारे जो है चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसकी मैं कंट्रोल वायरिंग दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे, उसका मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है, तो डायग्राम समझ लेते हैं एक बार पावर पर कंट्रोल का कैसे कैसे काम करेगा। तो ये हमारा फिलहाल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर की मैंने बनाया हुआ है ब्लॉक, इसके अंदर हमारे कॉन्टैक्टर की वायरिंग है, टर्मिनल है। तो ये थ्री फेज हैं आर वाई बी, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे आर वाई बी, थ्री फेज हो गए। इसके अलावा जो एक हमारा इसके लिए फ्रेंड्स फोर पोल का कॉन्टैक्टर चाहिए, क्योंकि एक एनो होना चाहिए उसमें जिससे कि होल्डिंग के लिए। अगर हमारे पास थ्री फेज का हो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा जिससे कि हमें होल्डिंग करानी है। तो फिलहाल मैंने फोर पोल का कॉन्टैक्टर बनाया हुआ है जो मेरे पास है, जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये थ्री फेज है आर वाई बी, ये इसका एनो पॉइंट है, एनो इसी के साथ है चौथा पोल हमारा होल्डिंग के लिए। और ये हमारा ओवरलोड रिले की ड्राइंग बनाई है मैंने, टर्मिनल नंबर लिखे हैं। और ये हमारी जो कॉयल है ये कॉन्टैक्टर की कॉयल है। तो चलिए अब सप्लाई मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी थ्री फेस हमने सप्लाई अप्लाई कर दी इसको कॉन्टैक्टर को, तो यहाँ से हमने एक फेस उठाया आर फेस से और ये दे दिया ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, 95 टर्मिनल पे दे दिया। उसके बाद ये हमारा जो 95 और 96 टर्मिनल है ये हमारा ओवरलोड रिले का है। जब ओवरलोड रिले हो जाएगी एन सी पॉइंट है, तो ओवरलोड जब ये हो जाएगी तो एनओ हो जाएगा, आगे सप्लाई कट जाएगी। तो ये हमारा एन सी पॉइंट लेंगे, एन सी पॉइंट के बाद 96 से जब सप्लाई निकलेगी हमारी, उसके बाद हमने 94 का उठाना है। ये फ्रेंड्स स्टार्टर के लिए है, स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के लिए। अगर हमें स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग इससे नहीं चलानी ओवरलोड रिले से, तो हम डायरेक्ट 96 से उठाकर कॉन्टैक्टर में दे देंगे। तो अगर हमें इससे ही स्टार्ट स्टॉप भी कराना है ओवरलोड रिले से, कुछ बटन भी इसी के यूज़ करने हैं, तो उसकी ये आपकी पावर डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम सॉरी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इसका जो पुश बटन दिया हुआ ओवरलोड का, स्टार्ट करेंगे तो 94 से हमारी एक पल्स निकलेगी, यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी, एरो बनाया हुआ मैंने। तो ये हमारे कॉन्टैक्टर के कॉयल में जाएगी A2 में। A1 को हमने डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है, हमारा कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट का है, तो A1 में न्यूट्रल डायरेक्ट हमने दे दी। A2 को जब एक बार पल्स आई, कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया, तो ये देख लेते हैं होल्डिंग कहाँ से होगा। तो होल्डिंग के लिए हमने यहाँ से जो हमारा 95 से निकला है, ये देखिए एन सी पॉइंट से जो निकला है, यहाँ से हमने एक वायर उठाई और हमने कॉन्टैक्टर के एनओ में दे दी है ऊपर की साइड। और जब ये पल्स देंगे तो एक बार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जब ये कॉयल में मैग्नेटिक जनरेट होगा तो ये इस अपना कॉन्टैक्ट इस तरफ को खींचेगा, तो ये जो एनओ पॉइंट है सारे के सारे ये एन सी हो जाएंगी और यहाँ से सप्लाई यहाँ पास हो जाएगी, इस तरफ को खींचेगा ये जब कॉयल में जनरेट होगी। तो जो हमारी होल्डिंग के लिए सप्लाई यहाँ एनओ पॉइंट में दी थी, ये सप्लाई हमारी एनओ पॉइंट एन सी हो जाएगा जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो ये सप्लाई यहाँ से घूम के हमारी कॉयल को चली जाएगी। तो जब तक ये होल्ड रहेगा, होल्डिंग कर लेगी, जब तक हमारा ये ऑन रखेगी सप्लाई को। और जब हम यहाँ पे मान लो ओवरलोड हमारा ट्रिप हो गया तो ये सप्लाई कट होगी, ये कट होगी तो यहाँ आनी भी कट हो जाएगी, तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा या हम स्टॉप दबाएंगे, तो उसके लिए भी यही पॉइंट है। जब हम स्टॉप को पुश बटन जो उसमें दिया हुआ है रेड कलर का वो भी दबाएंगे, तब भी ये कट हो जाएगी सप्लाई। तो इसका डायग्राम आइए कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको ओवरलोड रिले में। देखिए अभी मैंने ये अभी, क्योंकि हमने अभी मोटर तो थ्री फेस तो इसमें दिया नहीं हुआ, खाली कंट्रोल दिखा रहा हूँ आपको कॉन्टैक्टर ऑन करके। तो अभी मैनुअली मैंने सिंगल फेस की सप्लाई ली है, इसमें न्यूट्रल जो है मैंने A1 पे दे दिया है। A1 A2 आपस में चेंज भी हो जाए अगर सप्लाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रल जो है मैंने A1 पे दे दी है और जो फेस है हमने ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल पे दी है, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था। मैंने ड्राइंग भी यहीं पर कर लिया है, देखिए ये फेस ये मैंने 95 टर्मिनल पे दिए लिया है। तो यहाँ से निकल के ये इसका एन सी पॉइंट ये वाला है 96, जैसा कि ड्राइंग में मैंने दिखाया था, ये एन सी पॉइंट इसका 96 है।
तो यहाँ से उठाकर ये देखिए ये हमने दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर के एनओ को, जैसे कि मैंने ये दिखाया था आपको, यहाँ से उठाकर तो ये वाला क्लियर हो गया आपको, यहाँ से सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर के एनओ में दे दिया है। तो आगे चलते हैं और ये देखिए ये इसका ये वाला टर्मिनल है जो 94 टर्मिनल ये वाला, यहाँ से हमने एक वायर उठाई और ये हमने दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर के दूसरी तरफ एनओ साइड, और यहाँ से ही एक लूप उठाया हमने, ये दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर के ए टू में। तो जब स्टार्ट हम करेंगे तो पल्स यहाँ से निकलेगी 94 से, ये वाली पल्स यहाँ से निकलेगी 94 से, तो जैसे ये पल्स निकलती है तो कॉन्ट्रैक्टर के कॉयल में भी जाती है और इसके एनओ पॉइंट में भी जाती है, जिससे कि ये होल्डिंग के लिए है और बाकी ये डायरेक्ट आपके, जिससे कि हमने न्यूट्रल ड्रैग दिया फेस यहाँ चले जाएगा होल्डिंग के लिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किए हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसको, अब पावर अप कर रहा हूँ, अभी सप्लाई मैंने ऑन कर दिया, अभी यहाँ पे पुश बटन ये है रेड और ग्रीन, ग्रीन वाला ऑन करूँगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं पुश कर रहा हूँ, मैंने पुश किया कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गया, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो चुका है। अगर मैंने थ्री फेज अप्लाई किया होता मोटर के लिए तो हमारा थ्री फेज चले जाता, तो अगर इस बीच ओवरलोड होगी आपकी मोटर तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, और आपको मैनुअली करना है तो रेड वाला दबाएंगे, रेड वाला मैंने देखिए ऑफ किया तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा LNT की ओवरलोड रिले, यह था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसका मॉडल नंबर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, ये LNT की हमारी ओवरलोड रिले थी, इसका मॉडल M&2 था, इसका नंबर है M&2। तो इसके बारे में कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर